और अक्सर ये पंक्तियाँ मैं गाती हूँ क्योंकि ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। सुनिएगा। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुझ में कोई खास बात नहीं कि मैं तुम्हारा प्रेमी बन पाऊं, पर ये कृपा है तुम्हारी कि तुमने मुझ जैसे नालायक को ये हक दिया कि मैं अपने आप को श्याम प्रेमी कहता हूं, वरना प्रेमी तो एक से बढ़कर एक है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बाबा तूने संभाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, बाबा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे, ऐब मतलब अवगुण दोष गलतियां, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है, कि असल में मैं क्या हूं ये तो सिर्फ मैं जानता हूं और तुम जानते हो, पर ये जो तुमने मेरा जो भ्रम बना रखा है ना, इसीलिए मैं बार बार ये जयकार लगाती हूँ, बोलिए लाज बचाने वाले की, क्योंकि हम जब यहाँ बैठते हैं ना तो भैया उसके भरोसे बैठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है राग रसोई पागड़ी, और भैया मेरे साथ तो ये समस्या है, अब तो फिर भी मेरे दो तीन वीडियो यूट्यूब पे हैं, पहले जब कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं थे तो मेरी हालत देख के लोग कहते थे ऑर्गेनाइजर को, थे कुंड पकड़ ले आया, तो ये जो स्थिति जो उसने बनाई है, जो लायक उसने बनाया है वो उसने बनाया है, हम नहीं गाते वो गाता है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है, और मेरी हरकतें ऐसी हैं, मेरी गलतियां ऐसी है, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा, तेरी रहमत ने पाल, और सबसे बड़ी बात मुझसे नाता जोड़ के तूने, मुझसे नाता, मुझसे नाता जोड़ के तूने, हर मुसीबत को कि जब से तुम्हारी शरण में आया हूं, दर्द को भी दर्द अब होने लगा है, दर्द को भी दर्द अब होने लगा है, दर्द खुद ही मेरे जख्मों को धोने लगा है, दर्द को पाकर ना रोया मैं कभी भी, दर्द खुद मुझे पाकर रोने लगा है, जब से तुम्हारी शरण में आया हूं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो इसकी शरण में आते हैं उनके जीवन में दुख नहीं आते, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, पर उससे बड़े अच्छे से निकलने की क्षमता, बड़े अच्छे से उभरने की क्षमता जो देता है ना, वो देने वाला ये है कि जिन बड़ी बड़ी मुश्किलों में लोग जिंदगी छोड़ के जाने का फैसला कर लेते हैं ना, उस समस्या में वो प्रेमी अपना घर छोड़कर खाटू आने का फैसला करता है, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी समस्या का हल होगा, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, क्योंकि मैं और कलाकारों की तरह नहीं हूँ कि पहले मैं ठेला चलाता था, फिर मेरा ढाबा हुआ, फिर मेरी होटल हुई, वो पहले उसके पास चार मकान थे फिर 10 मकान हो गए, नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात है कि हर क्षण उसकी कृपा को हम महसूस करते हैं। मेरे पिताजी 6 महीने मेरे साथ नहीं रहे, वो बेड रेस्ट पे थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस हुआ था,
और मेमोरी एकदम चली गई थी, वो हम तक को भी भूल गए थे, अपने आप को भी भूल गए थे। पर उस 6 महीने में जो रिकवरी बाबा की कृपा से जो इनकी हुई है ना, हमने इनसे पहले किसी पैरालाइज पेशेंट की नहीं देखी कि इतना जल्दी सब कुछ याद आना, सब कुछ रिकवर होना। आज हमारे सामने वो बैठे हैं और ये कृपा है, उसने बैठा रखा है तब बैठे हैं। तो ये मेरे अपने अपने अनुभव की बात है कि जो इस दरबार में आया है वो खाली नहीं गया, बशर्ते आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आप कीर्तन में आए हैं तो कीर्तन करने की नीयत से ही बैठे हैं। और हमारे यहाँ तो मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि आप जैसा परोसोगे सामने वाला वैसा ही खाएगा। अब आप उनको परोस ही डीजे बीट रहे हो तो वो कहाँ से भजन गाएंगे बताएं आप। ये भजन गायकों की कमी है कि वो बहुत कुछ समय के आनंद के लिए उन सभी चीज़ों से वंचित कर देते हैं। वरना कीर्तन पहले ऐसे होते थे कि बिना माइक के गाओ तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज़ आती थी। अब हमारे जैसे गायक आजकल बिना इको रिपीट के गा ही नहीं सकते। तो ये हमारा जो सच्चा भाव था वो खत्म हो गया है। आइए इसको फिर से जागृत करते हैं। कोशिश करना जब अगली बार कोई भी कलाकार आए तो आप उसके साथ में वैसे ही पेश आए जैसा मैं कोशिश कर रही हूँ आज आपके साथ में मिलकर गाना।